उत्तर प्रदेश के अयोध्या में स्थित श्री राम जन्मभूमि पर राम मंदिर का निर्माण जारी है। इस बीच रामलला के मंदिर के लिए एक ऐसा घंटा भेंट किया गया है जिससे ओम की ध्वनि निकलेगी और 8 किलोमीटर के एरिया तक सुनाई देगी। 613 किलो वजनी कांसे से बना ये घंटा तमिलनाडु के रामेश्वरम से 4500 किलोमीटर यात्रा करके अयोध्या लाया गया। भगवान राम को ये विशेष घंटा तमिलनाडु की लीगल राइट काउंसिल की ओर से भेंट किया गया। ये विशेष घंटा तमिलनाडु की रहने वाली राजलक्ष्मी मांडा लेकर आई हैं। राजलक्ष्मी बुलेट्रानी के नाम से देश में मशहूर हैं। ये विश्व की दूसरी महिला हैं जिन्होंने 9.5 टन वजन खींचने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। राम रथ पर रखकर ये घंटा अयोध्या लाया गया है। 17 सितंबर को राम रथ यात्रा की शुरुआत हुई थी जो 7 अक्टूबर को 21 दिन में 10 राज्यों से होकर अयोध्या में पूरी हुई। राजलक्ष्मी ने बताया कि रास्ते में जगह जगह इस घंटे की और भगवान राम दरबार व गणेश की मूर्ति का पूजन किया गया। यात्रा में कुल 18 लोग तमिलनाडु से अयोध्या पहुंचे हैं। रामेश्वरम टू राम जन्मभूमि 21 दिन का यात्रा आज अयोध्या में समापन हो रही है। मैं राजलक्ष्मी मंदा हूँ, लीगल राइट्स काउंसिल इंडिया का जनरल सेक्रेटरी हूँ और इस घंटे को हमने हमारी संस्था की ओर से हमने मनाया है। 613 किलो का घंटे है, 4.1 फीट हाइट और 3.9 फीट विड्थ इसका है और इस घंटे को बजाने से 8 किलोमीटर की रेडियस में इसका साउंड सुनती है और इसका शब्द ओम से शुरू होती है। राम मंदिर में लगने वाला ये घंटा बेहद अनूठा है। ये 4 फीट ऊंचा है और वजन 613 किलो है। ये कांसे से बना हुआ है। इसकी चौड़ाई 3.9 फीट है। अयोध्या पहुंचने पर राजलक्ष्मी मांडा ने कहा कि उनका जीवन धन्य हो गया। वे भगवान श्री राम के रथ को तमिलनाडु से अयोध्या तक खुद ड्राइव करके आई हैं।